आपकी बहुत बहुत मेहरबानी आपने, अगर आपसे मिलना नहीं होता तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता। तो जब से इनसे मिले हैं तो बहुत इनसे अभी वो मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, जो डांस करते रहते हैं, हमारे ग्रुप के भी पार्ट हैं, काफ़ी लोग इनसे बड़े इम्प्रेस होते हैं। तो सबसे पहले गुरु प्रणाम गुरु जी। अच्छा, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता था। एक्चुअली मैं दिल्ली में आया था एक हफ्ते पहले, मेरे एक जानने वाले हैं, उनकी एज करीब करीब 65 साल है। तो पहले उनका शरीर बड़ा हैवी हो गया था, तो डायबिटीज़ की वजह से एक बार उनको चोट लगी थी, गिर गए थे। उसके बाद उनका चलना फिरना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, एक्सरसाइज वगैरह, तो वेट और बढ़ता गया। तो उनको डायबिटीज़, किडनी की प्रॉब्लम हो गई। फिर सुनने में आया कि कोई 6-8 महीने पहले उनके माउथ में कैंसर, कोई ट्यूमर हुआ, तो उसको बाद में तो कैंसर नाम दिया, एक साइड से दूसरी साइड में हो गया। 14 उनके पहले कीमोथेरेपी हुई, फिर उसके बाद उनको रेडियोथेरेपी हुई। डॉक्टर ने अभी सुना है, मतलब मेरे को तो रिसेंटली पता लगा कि 6 महीने पहले बोल दिया था कि इनकी 6 महीने से 8 महीने तक जिंदगी है। तो अब उस हालत में मतलब तो मैं तो चाहता हूँ कि वो बच जाए। तो और अभी उन्होंने पता नहीं, क्योंकि तो खा नहीं सकते, मतलब ऐसे उनका ट्रीटमेंट हुआ है कि मुँह से कुछ निकलता नहीं है सिवाय पानी के, खिचड़ी के। तो खाने मतलब ना खाने की वजह से उनका वेट 65 किलो लूज हो गया। तो अब ये है कि हाँ, थोड़े से मतलब हम में से कोई देखने में जो बहुत ही पतले हैं वैसे लगते हैं वो। तो मैंने तो उनको सर्दी दी, मैंने कहा वेट लूज हुआ तो अच्छी बात है, एक ढंग से कम उनकी इंसुलिन की जो दवाई थी वो बच गई है। मगर इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर उनको हम इस रास्ते पर डालने की बोलें तो वो मॉर्फिन के इंजेक्शन लगते हैं उनको पेन के लिए, तो जो पेन उनसे बर्दाश्त नहीं होती। तो क्या इस हालत में उनको ये रास्ता दिखाना भी मतलब पॉसिबल भी है, या मतलब हम उनकी मरने की वेट करें बस? मतलब इनके कितने हैं उनके? 65 साल। देखिए, गलतियाँ तो बात हुई है, इसी कारण उसका परिणाम इतना भयंकर आ गया। बाकी नेचर से बड़ा कोई नहीं है, हिम्मत मत हारो, आप प्रयास करो, ठीक है? और ईश्वर चाहेगा उनकी उम्र लिखे हुए जरूर ठीक हो जाएंगे। अगर नहीं भी ठीक होते तो कम से कम उनको अगला दिन आराम से, उनका ये जीवन आराम से गुजर जाएगा, शरीर आराम से टूट जाएगा और अगला जीवन उनको अच्छा मिल जाएगा। अब तो मैं एक और चीज़ साथ में ऐड करना चाहता हूँ। जैसे ब्लड साहब ने बताया, एक हमारे अरुण शर्मा जी हैं, वो एरिजोना में रहते हैं, अमेरिका में।